क्लास 10 मैथ सेकंड एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए सॉलिड इज इन द शेप, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका सलूशन देखो। सलूशन पहले इसका फिगर बनाओ। इसमें कह रहा है ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है ऐसे और एक कोन इस पर स्टैंड किया है एक्स, और इसको कोन बना दीजिए, एक हेमिस्फीयर हो गया। एक चीज इसकी रेडियस बता रहा है हेमिस्फीयर की, या कोन की रेडियस आर इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो स्फीयर की हाइट हो जाएगी, और ये दिया गया है इसकी हाइट कोन की हाइट भी आपको 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर की लिखा है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, ये कोन ऊपर हो गया आपका, ऑन हेमिस्फीयर इमेज हेमिस्फीयर हो गया विथ बोथ दी रेडियाई दोनों रेडियाई किसी किसके कोन की और स्फीयर की रेडियाई क्या है आपको इक्वल है, और इक्वल कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि कोन की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और स्फीयर हेमिस्फीयर की भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट कोन की इसके रेडियस के बराबर है, यानी हाइट भी ये 1 सेंटीमीटर हो गया। इसमें फिर हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द कोन, कोनिकल पार्ट रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट, ये चीज आ गया और इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। तो कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम कितना होता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, प्लस स्फेरिकल वॉल्यूम और स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल पार्ट है ना, ये हेमी कह सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम स्फीयर का होता है कितना 4/3 स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर वॉल्यूम कितना होता है आपको V=4/3πr³ होता है, इसी का आधा हो जाएगा 2/3πr³। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई रहने दीजिए, पाई के रूप में आपको आंसर लाना है, ए वन का स्क्वायर हो गया इंटू ए वन हो गया प्लस 2/3 पाई हो गया, 1 का क्यूब हो गया, ये चीज ये हो जाएगा 1/3 पाई हो गया और ये हो गया 2/3 पाई, थ्री एलसीएम हो गया,
हो जाएगा 3/3 pi, आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो गया आपका ये चीज। तो इसमें हेमिस्फीयर है और ऊपर कौन है, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए और इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों ऐड कर दीजिए, बस आपको साइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट। The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. चलो सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखो। इसका फिगर पहले बनाओ। एक सिलेंडर है, ये दोनों कोण, दो कोण दो सिरों पर। इसमें लिखा है रिचल इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल ऑफ शेप लाइक ए सिलेंडर। एक सिलेंडर बीच में है, दो कोण है यहाँ पर, इसका ऐसे बना लो कोण, ये देखो। टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक के मॉडल का लेंथ टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर, चीज हो गई। और आपको ये भी दिया गया है कि इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, इसकी यहाँ से यहाँ तक का जो है कितना दिया 2 सेंटीमीटर, ये भी आपको कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, दो ये निकल गया, दो ये निकल गया, बीच में कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर हो गया, और रेडियस देखिए कितना है 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ लिखा गया डायमीटर ऑफ मॉडल इस 3 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। चलो देखो गिवन क्या लिखेंगे हम लोग, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट इसको टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसको कह दो तुम H1 अलग लगाएगा यहाँ पर, इसको टू 2 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इसको टू R इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू है आपका 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ देखिए निकाल डालिए आप, इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, दो इधर निकाल दो, दो इधर निकाल दो, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, पूरे में निकाल लो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना, वेयर कॉन्टेंट कॉन्टेंट इन द मॉडल, इन द मॉडल इक्वल टू हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर कॉन्टेंट इन द मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट और प्लस दो गुणे कोनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट
इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें पाई आर स्क्वायर एच टू प्लस टू इंटू वन बाई थर्ड पाई आर स्क्वायर एच वन। ठीक आठ प्लस टू इंटू वन बाई थर्ड पाई इंटू आर स्क्वायर कितना रहेगा इसमें भी थ्री बाई टू का स्क्वायर और इसमें एच कितना रहेगा दो, इसकी हाइट कितनी है दो, ये कितना हो जाएगा पाई इंटू नाइन बाई फोर इंटू एट प्लस टू बाई थ्री हो गया ये पाई इंटू नाइन बाई फोर इंटू टू है, तो दो से दो ये पड़ गया, दो से यहाँ दो पड़ गया, तीन से ये पड़ गया, थ्री हो गया यहाँ से फोर पूजा हो गया, ये हो गया एटीन पाई, हो जाएगा थ्री पाई इसको हो जाएगा ट्वेंटी वन पाई और हो जाएगा ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन, यहाँ जाएगा थ्री आ जाएगा थ्री इंटू ट्वेंटी टू इक्वल टू सिक्सटी सिक्स सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज आ जाएगा आपको आंसर। तो इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों कोनों कोन का वॉल्यूम निकाल करके ऐड कर लीजिए, टोटल आपको एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। गुलाब जामुन कॉन्टेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इसमें आपको एक कंटेनर है, इसमें आपको गुलाब जामुन एक सिलेंडर का दो हेमिस्फेरिकल ऐसे ऐसे आपको गुलाब जामुन है ऐसे, इस जो है इसका टोटल हाइट दिया गया है आपको कितना, ये लेंथ आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर डायमीटर आपको 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। गुलाब जामुन के बारे में कैसे रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 बाई 2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसका हाइट भी आपको 1.4 हो जाएगा, रेडियस भी आपको हेमिस्फेयर के 1.4 हो जाएगी और हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1.4, 1.4 इधर 1.4 इधर, यहाँ से 1.4 इधर आएगा और 1.4 इधर रहेगा, हो जाएगा 5 माइनस 2.8 इसको तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी किसकी, सिलेंडर पार्ट की। अब वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का टू इंटू टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, तो हो गया पाई इंटू आर कितना हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा 2.2, सिलेंडर का हाइट कितनी आ रही है 2.2 प्लस 2 इंटू 2 बाई 3 पाई इंटू आर आर 1.4 का क्यूब, कैलकुलेशन सब कर लीजिए टोटल, टोटल वॉल्यूम आ जाता है इसका आपको आ गया है 25.05 सेंटीमीटर क्योंकि है एक गुलाब जामुन का बालू।
45 मल्टीप्लाइज, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है 25.05 मल्टीप्लाई किया गया 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसका 30% निकाल डालिए, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप कितना हो जाएगा आपका 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितना हो जाएगा 30/100 इंटू 1127.25 और कैलकुलेट कर लीजिए आ जाएगा आपको 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपको इतना शुगर सिरप आपको ये टोटल 45 गुलाब जामुन में लगा है।